हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर पे। तो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में इसलिए आया हूँ कि मैं रेगुलर यूट्यूब पे जब वीडियोस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को नॉलेज भी नहीं है वो भी ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। जिन्होंने आज से क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा होगा वो भी कह रहे हैं, या गली क्रिकेट खेलेंगे वो भी क्रिकेट की नॉलेज बांटते फिर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से अंडर 19 जोनल लेवल खेला हूँ। तो आप पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को कितनी नॉलेज होगी। घर में बैठ के नहीं, गलियों में खेल के नहीं, अच्छे प्लेयरों के बीच जाके मैंने क्रिकेट का एक्सपीरियंस गैदर किया है और मेरे को 2.5 साल से लगभग ऊपर हो गया है ड्रीम इलेवन पे। तो आपको मेरे साथ जुड़ के बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप एक ऐसे बंदे के साथ जुड़ रहे हो जो बहुत कुछ जानता है क्रिकेट के बारे में। और तभी आप मेरे को देखोगे यहाँ पे, मेरी हर तीसरे चौथे मैच के अंदर ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया रैंक आती है। अब मैं आपको प्रूफ ही दिखाऊंगा क्यों आती है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है प्लस। और आप पूरी वीडियो देखना, आपको ऐसी नॉलेज मिल जाएगी कि आप बोलोगे यार हाँ, यूट्यूब में पागल बनाने वाले बंदों के बीच में कैसा बंदा भी है। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने अपना मेरे बता दिया है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अपडेट्स, जैसे आज इस मैच में कार्लोस ब्रैथवेट आउट हो गया था, मतलब खेला नहीं उसकी न्यूज़, तो बहुत सारी न्यूज़ पे चलेगी आपको। ड्रीम इलेवन डॉक्टर, ड्रीम की स्पेलिंग देख लो, इलेवन डॉक्टर, गैप नहीं देना। 588 सब्सक्राइबर हैं और ज्वाइन कर लेना है, आपको बहुत ज्ञान की नॉलेज मिलने वाली है। और दूसरी बात देखो, लोग स्क्रीनशॉट एडिट करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर ड्रीम इलेवन की प्रोफाइल कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरा 181 लेवल क्यों है, इतना कम क्यों है, आपको पता चल जाएगा, वो भी 2.5 साल में। मैंने लगभग 1 साल से ड्रीम इलेवन पे स्मॉल लीग्स खेलना छोड़ रखा है, क्योंकि मैं ऐसी ऐप्स जानता हूँ जहाँ विन करना ईजी है। ड्रीम इलेवन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसको सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए अगर आप खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और अदर से मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐप्स को आपको खेलना है और मेरी तरह विनिंग्स करनी है। तो ये रहे स्क्रीनशॉट्स, देखो और मेरे रेगुलर विनिंग्स देखना। ग्रैंड लीग में परफॉर्मेंस मेरी यही थी इस टीम में, ये परसों मैच है देख लो, ये प्लेयर्स देख सकते हो, तब टेलर के साथ गए थे, पर मेरा एक्सपीरियंस और मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे को कहा दीप्ति शर्मा, जिलन गोस्वामी। तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, पूनम राउत को लेके कोई नहीं आया था तो मेरी रैंक 200 आई थी। अभी थोड़े दिन पहले एक और मैच हुआ था, इसमें मेरी रैंक आई थी 40,000 में 400। देख लो मेरी टीम, अब देखते जाओ बस, अब शांति से बैठ के देखो एंटरटेनमेंट। ये थोड़े दिन पहले मैच हुआ था, ये देखो सन्ना मीर का कोई लेके नहीं आया था कैप्टन बना के, ये देखो आप परफॉर्मेंस देखते जाओ, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, अब देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा जो सुनते रहना। नाहिद अख्तर, मैंने देखते रहो बस, ये रैंक 17 आई थी मेरी 13,000 मेंबर में। ये टीम तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रैंड लीग लगभग जीती गई थी, अगर यहाँ पे मेरा रियाज की जगह बेन वो डॉशियस होता तो ये मेरी परफॉर्मेंस 17 रैंक में लिखता रहता हूँ, पहले ही लिखता था मैंने 2 महीने, मेरी पिछले सिर्फ 2 महीने की जी ग्रैंड लीग से परफॉर्मेंस। ये एक टीम है देख लो आप, रोक के देख सकते हो, 428 रैंक आई थी, इसमें मेरी 200 आई थी। और आप देखिएगा मोस्टली मैं टीम वन से खेलता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मैं 6 टीम से तुक्के मार के नहीं खेलता, एक टीम से खेलता हूँ, लॉजिक बना के खेलता हूँ। इन टीम से मैं देख लेना आप, लॉजिक बना के खेलते हैं, तुक्के से नहीं खेलते हम। तो ये परफॉर्मेंस देखते जाओ, ये देखिए बस, अब 2 मिनट देखते जाओ भाई, आप वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, पॉज करके देख सकते हो आप, देख लो देखते हो। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए अभी, तब की परफॉर्मेंसेज हैं, ये देख लो। उस्मान खान शिनवारी का कोई सोच भी नहीं सकता, और मैं पहली टीम में अपना कैप्टन बना के चला गया था उस्मान। मुझे पता था एक्सपीरियंस के साथ कि ये बंदा रॉक करता है जब भी ये पहला मैच खेलता है किसी भी टूर्नामेंट किसी भी सीरीज़ का। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ये देखो मेरी रैंक 33 आई थी इसमें मेरी 400,000 में, अच्छा खासा विन कर ही गया था मैं यहाँ पे, अगर मेरे एलन की जगह हेडन वॉल्श होता तो।
वही थोड़ा लक चाहिए था एंड मोमेंट में आके। ये देखो जूट, ये में मेरी रैंक 52 आई थी, ये देख लो, ये देख लो कंटिन्यूअस। ये जो भी मैं कभी कर रहा था, मेरी सब मैचेस में रैंक 500 से बहुत नीचे आई थी लाखों के मेंबर्स में। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इसे मेरी रैंक 94 आई थी। ये देखो एक्करमैन, इसमें मेरी रैंक 33 आई थी। इसमें मेरी रैंक कुछ 4-5 लाख में आई थी, 600-500 ऐसी कुछ आई थी। बस आप कॉम्बिनेशन देखते रहो, जो नॉर्मल इस टीम में मेरी रैंक 1 आ गई थी, अगर बैन सेंटरसन की जगह मेरा ग्रैम वाइट होता तो। इसमें मेरी रैंक 54 आई थी, अगर मेरा वाइस कैप्टन नहीं होता, रैंक 1 मेरी थी। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं, आपको ऐसे कोई प्रूफ दिखा सकता है? खुद जीत के 1 लाख सब्सक्राइबर लेके, जो बंदे खुद डेली मतलब 4-5 दिन में भी एक बंदे को अंडर 10 रैंक नहीं ला सकते, तो यार वो किस बात के एनालिस्ट हैं? वो किस बात के हैं? वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। आप बन रहे हो, वो बना रहे हैं, तो खुद ला के दिखाओ यार। जब बंदा खुद नहीं जीत सकता तो दूसरों को क्या जिताएगा, ये सोचने वाली बात है। और आपको और चीज़ दिखाता हूँ, ये एक दूसरी ऐप है जिसमें मैं सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूँ। ये देखो थोड़े दिन पहले मैं, हाँ रैंक 3 आई थी मेरी 2600 मेंबर्स में। ये देख लो, रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, लोग स्क्रीन शॉट एडिट करने के आदत हो चुके हैं। जेनुअन बंदा देखो, जेनुअन बंदे की स्क्रीन शॉट विनिंग्स देखो। और एक मैच में, और मैं अभी, ये मेरी पिछले 7 दिन देखो, 7 दिन, 7 दिन में 3 बार देखो, ये देखो 7 दिन। अब देखो इधर, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, लंबी वीडियो होगी पर पूरी देखनी, बहुत कुछ सीख के जाओगे, बकवास नहीं सीख के जाओगे लोगों की तरह, और रियलिटी रियलिटी देखने को मिलेगी। ना ना ये शायद ये मैच नहीं था। हाँ ये आ जा, खुल जा सिम सिम, आ जा भाई। हाँ ये देखो रैंक 1 आपको खोल के दिखा सकते हैं, नो स्क्रीन शॉट एडिटिंग। ये मेरी कैप्टन थी, मेरी वाइस कैप्टन थी, 1300 मेंबर में रैंक 1, दूसरी टीम से रैंक 10। तो भाई मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो आपको जेनुइन बंदा यहाँ नहीं मिलेगा। और एक और दिखाता हूँ, जा कर रहे हो, ये परसों ही वाला मैच है, इसमें देखो मेरी मिनी जीएल, तो मैं ऐसे जीत जाते ही हूँ चुटकियों में, रैंक 2। तो देख रहे हो, आपके ऐसे जेनुअन बंदे के साथ जुड़ गए, अगर टेलीग्राम पे अगर आप मुझे 1 महीने फॉलो करते हो तो आप देख लोगे कि ये बंदा कैसा है। नहीं तो बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत है, जुड़ सकते हो, जो आपको रेगुलर झूठी झूठी स्क्रीनशॉट दिखा के आपसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आप बन भी सकते हो बनाना, क्योंकि नए नए जो बंदे होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होता। तो मैं आपको और कुछ दिखा, ये वो ऐप है माई फैब 11, इस ऐप का नाम है, लिख लो माइंड पे, माई फैब 11। इसका लिंक टेलीग्राम चैनल में या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या वीडियो के कमेंट में विद रेफर कोड मिल जाएगा। इसका रेफर कोड है SARVUT50, साथ में सारा। और एक बार चेक करने के लिए दोबारा देख लेना लिंक पे या टेलीग्राम पे, ये बेस्ट ऐप है स्मॉल लीग्स के लिए। मेरी 90% इन्वेस्टमेंट यहीं होती है, और टेलीग्राम पे विनिंग्स सेंड करता रहता हूँ, जो मैं जीतता रहता हूँ। तो देखो भाइयों, 90% मेरी विनिंग्स आते हैं, बाकी ग्रैंड लीग में खेलता हूँ ड्रीम इलेवन में, बाकी जो 1-2 हज़ार ऐप होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगी कौन सी ऐप्स पर खेलता हूँ। तो इस ऐप पे रेगुलर आप 1 महीना खेलिए, फॉलो कीजिए 1 महीना यार, ब्लाइंड मतलब आँख बंद करके फॉलो कीजिए मुझे, आपके प्रॉफिट हो गई होगा। और बाकी 10% एक फैंटेसी है, 10-20% लक का गेम है, बाकी एक्सपीरियंस का गेम है। तो एक्सपीरियंस तो मेरे पे है, बाकी वो 20% लक अपने साथ हो जाए तो हमें कोई हरा नहीं सकता। और आपको आँख बंद करके इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, इसका नाम है Dream11 Doctor, क्योंकि हम डॉक्टर हैं Dream11 के, बाकी सब बकवास। और ये मेरा पेड ग्रुप है। अब बोलेंगे बंदे भाई पेड ग्रुप वाला आ गया
भाई पेड ग्रुप, यहाँ से हमारी बंदे जिन्होंने आज तक हेड टू हेड जीतने में इतना स्ट्रगल किया कि मतलब हेड टू हेड जीत नहीं पाते थे, वो यहाँ मिनिम जीएल और ग्रैंड लीग जीत के जा रहे हैं। आपको आपको प्रूफ दिखाता हूँ, आप देख जुड़े रहिएगा। जैसे आज वाले मैच में दिखाता हूँ मैं आपको क्या प्रूफ दिया था मैंने, यहाँ देखते रहो बस। यहाँ हर छोटी चीज़ें शेयर होती है। अब मेरा मेरा पेड ग्रुप बनाने का पर्पस क्या है, क्यों? क्योंकि देखो भाइयों, 500 रुपये अगर जिसको कोई अगर पे कर सकता है, भाई मैं किसी से नहीं कहता, अगर जिसके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं पहले इस ग्रुप का प्राइस 1000 रुपये था, पर मैंने अपने सब्सक्राइबरों की बात, उन कईयों का नहीं होता भाई, उन कईयों का जुड़ने का मन होता है कि मैंने सबके लिए नॉर्मल 500 रुपये एक महीने का रखा हुआ है। तो भाई 500 रुपये एक महीना अगर जिसके लिए बहुत बड़ी बात है वो मत आओ भाई। मैं नहीं चाहता कि आप इतने बड़े मतलब दिल पे पत्थर रख के खेलो, नहीं। जिनके लिए 500 रुपये कुछ भी नहीं है, थोड़ा कुछ है, वो आ सकते हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ग्रैंड लीग की टीम बनती कैसे है। दिल से निकली हुई चीज़ें बताता हूँ मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि पर मेरे को इसलिए बनाया मैंने कि अगर मैं अपने को नॉर्मल बता दूंगा सबको तो ग्रैंड लीग में कितना क्लैश होगा, किसी का 1 रुपये नहीं आएगा। जो भाई थोड़ा देगा पैसा वो जीत के जाएगा। और आज भी मैंने आपको, मैंने वेस्ट इंडीज़ वाले हैं, मैंने मैंने बोल दिया था कि कौन चलेगा आज, होप। मैंने कहा था ग्रैंड लीग का कैप्टन चुपचाप होप को बना दो, और होप ने मारे आज 77। तो होप ने मारे 77। तो ये पता लगाता है कि मतलब कि बंदे के पास कितनी नॉलेज है। मुझे पता था कि होप आज चलेगा और होप ने मारे रन, देख लियो ग्रैंड लीग का कैप्टन होप। और मैंने कल न्यूज़ से शेयर की थी, देखो देखो ये, कल मैंने एक टीम ट्राई की थी जिसमें मेरा टॉम करन वाइस कैप्टन था, ये बस कॉम्बिनेशन एक दो जाते तो अच्छी रह जाती, बस वही ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेना होता है। मैंने कहा था चेस को होल्ड वॉल्श की जगह लो ग्रैंड लीग में, मेरे क्रेडिट नहीं रहता ना, स्मॉल लीग्स में भी लेता मैं। और यहाँ देखो मैंने कितनी अच्छी नॉलेज दी थी, एशिया में शाही होप का बेस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, 3 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरी ये मारता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस मतलब ये देख लो, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है प्लस टीम शेयर होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 500 रुपये जिसके लिए कुछ नहीं है उसके लिए बहुत कुछ है यहाँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो हमारे ग्रुप के जो पेड ग्रुप के उसके भाई की विनिंग स्क्रीनशॉट्स। मैं थोड़े बहुत ही यूट्यूब से चैनल देखता हूँ, उनको टेलीग्राम पे थोड़ा देखता हूँ, फिर मैं उनको देखता हूँ भाई ये तो भाई क्या टीम देखते हैं भाई, उनको तो कुछ मतलब, मैं तो कई बार सही सीरियसली सोचता हूँ यार कैसे मतलब। अब तो आपको दिखाता हूँ प्रूफ मेरे पेड ग्रुप वाले के, इस बंदे को स्ट्रगल होता था हेड टू हेड जीतने में। ये भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन का अच्छा यूज़ करता है जो मैं ग्रुप में देता हूँ। रैंक वन 1300 मेंबर चुपचाप, देखो 600 मेंबर रैंक वन, ये देखो 7000 लेके चुपचाप बैठ के, 1000 रुपये दिए थे 700 रुपये, 7000 रुपये एक मैच से ले गया सारा कवर प्लस प्रॉफिट, देख लो 1000। और ये भाई ने ये टीम बनाई थी, मैंने स्पेशल बोला था विलानी को लेना है, और ये देखो भाई की विनिंग स्क्रीनशॉट वो व्हाट्सएप के, तो ये देख सकते हो आप क्लीन स्वीप। और यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कौन सा प्लेयर चलेगा, ये परसों मेरी आई थी जो मैंने सबको दिखाया था, ये मेरी ग्रैंड लीग में थी, ये देखो 819 ये। तो एक दो प्लेयर की वजह से थोड़ी ग्रैंड लीग रैंक वन आने से रहती है, नहीं तो ऐसी ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन लिस्ट बना के मतलब पूरा टिप्स बना के देता हूँ कि आपको ऐसे ग्रैंड लीग में फॉलो करना है, ये करना है। ये मेरी रैंक, ये मेरी देखो 17 रैंक आई थी, 17 रैंक 13000 मेंबर्स में 1000 मिले, बस यहाँ पे मेरा वो होता डॉशियस तो ग्रैंड लीग मेरी थी। तो वही मैच है जो आपको मैंने ड्रीम इलेवन पर दिखाया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये देखो भाई ये बंदे 150 मेंबर में रैंक वन लेके आ रहे हैं, खुद ही लिखते हैं भाई। देखो जो बंदे हेड टू हेड के लिए सपने देखता था जीतने के, वो बंदा ग्रैंड लीग जीत रहा है तो अच्छा लगता है। ये मेरे पिछले साल की थी, मैंने ऐसी फेसबुक खोल के देखा था तो मुझे दिख गई थी, पहले मैं देखते नहीं थे, मेरी बहुत स्क्रीन शॉट्स हैं मीनिंग्स के, मैं पहले ये देखा नहीं, मैंने कहा ले यहाँ भी लोग बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, थोड़ा हम भी अच्छा मतलब घुसते हैं लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये मेरे ग्रुप का बंदा है। 482 320000 में 482 रैंक लाना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये देखो ये तो देख लो, यहाँ पे हमारी स्पेशल पिक थी सी विलियम्स, जिसको कोई लेके नहीं आया था।
आपको आपने रिसेंट मैच अगर फॉलो किया आपको पता चलेगा ये देखो भाई बंदे का रैंक 125 में ये सारे ले गया। सजेशंस भाई मोहम्मद उस्मान ने कहा था कि आपको स्पेशल लेना है, बस आप वीडियो देखते जाओ आपको ऐसे देखते जाएंगे कि चीज़ें कैसी कैसी हो सकती हैं। बस देखते रहो, आपको स्क्रीन शॉट्स देखते जाओ मेरे विनिंग्स के, देख लो 266 398, ये तो मतलब मेरे लिए अब बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है ये फिर ऐसी रैंक लाना। ये देखो 203 टीम ये थी, ये और ये देखो रैंक 33 टीम ये थी, 43 यहाँ 52 टीम ये थी। मेंबर्स देखो मजाक नहीं है, 80,000 में बहुत बड़ी बात हो जाती है, कई बार ड्रीम होता है 1,000 तक आना। अगर यूट्यूब में आपने देखा होगा कि यूट्यूब में अगर आपने देखा भी होगा तो किसी बंदे की 500 के आसपास रैंक आती है तो वो चिल्लाते हैं वॉन जीएल ग्रैंड लीग जीत गए, उनके होते हैं लाख लाख सब्सक्राइबर। तो भाई ये मेरी 33 रैंक आई थी, अगर फर्स्ट रैंक आती 4 लाख मिल जाते बस फेवियन एलन और यहाँ पे बॉलर की जगह बॉलर होता मेरा कोई तो मैं जीत जाता। ये मेरी सब तक की सबसे पास ग्रैंड लीग में आई थी मेरी 50,000 मेंबर में रैंक 4, जो पिछले साल हुआ था आयरलैंड और शायद तिल नहीं 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 कौन थी तो थाईलैंड के वुमेन के मैच का वो था ये इसमें, और लूसी और रिली को मैं ऑफ बिफोर टॉस होता था तब जीता था मैं। ये 94 आई थी मेरी 80,000 में, ये टीम थी मेरी। तो ऐसे बहुत हैं, बहुत देखने को मिलेगा आपको, देखते जाइए। इस भाई ने मिनी जीएल विन कर ली थी, ये ग्रुप पेड ग्रुप का मेंबर है। थैंक्स भाई, यार टीम तो आप बनाते हो, थैंक्स भाई। और आप देखिए 100 रैंक ये रैंक वो रैंक, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है मतलब मिनी जीएल है, 15 रैंक तो हम बहुत आम बात हो गई, 7,000 में 62 रैंक भी आम बात हो गई। भाई ये मैं दिखाता ही नहीं ज़्यादा, ये ग्रुप को पेड ग्रुप को जितने स्टार्ट किया था बंदे ने पहले ही 66,000 लोगों में 70 रैंक ला दी थी। देखो तो अगर आप पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी 500 रुपये हैं, कल को परफॉर्मेंस और अच्छी आएंगी तो इस प्राइस का 600,000 तक पहुंच सकता है। तो मैं चाहता हूं कि 600 से ज़्यादा मैं वैसे रखूंगा नहीं क्योंकि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर का ध्यान रखूंगा, तो 500 रुपये में फटाफट जुड़ जाइए। और आप भी बहुत फायदा उठाते हैं कि मजानसी सुपर लीग आ रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी लीग्स आ रही है जो सकते हो, ड्रीम 11 डॉक्टर। टेलीग्राम में मैं कुछ ऐसे चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, बस देखने के लिए 2-4 दिन के लिए देखने रखता हूँ कि बंदे कैसे भाई सारे मतलब मैं बता नहीं सकता मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं, फिर मैं उनको हटा देता हूँ देख के कि मतलब बंदे क्या कर रहे हैं भाई। तो आपको ड्रीम 11 डॉक्टर भाई जुड़ जाना है, बाकी सारे चैनल को छोड़ देना है। माई 5-11 स्मॉल लीग्स के लिए 90% आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी है, ग्रैंड लीग खेलना है मेरे साथ ही। अगर पेड ग्रुप का हिस्सा बनोगे तो और डीप नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, और स्मॉल लीग्स अगर आपको विन करनी है तो आपको हमारा ड्रीम 11 डॉक्टर चैनल ज्वाइन करना है। और ग्रैंड लीग के लिए भी, ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ज्वाइन कैसे करना है। ग्रैंड लीग का पेड ग्रुप 500 रुपये, आप जिनके लिए बहुत काम बात है 500 रुपये तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई 500 रुपये, लोग दिन में 50,000 की लीग खेलते हैं तो 500 रुपये महीने का तो दे सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले नई चीज़ों पर, नहीं आपको मैंने सारे प्रूफ दिखा दे ऐसे प्रूफ फैंटेसी के वर्ल्ड में अगर कोई दिखा दे तो हो सकते हैं बंदे एक रेयर वगैरह बंदे होंगे, पर मैंने जितने चैनल आज तक देखे हैं यूट्यूब में एक बंदा नहीं देखा मैंने, वो सिर्फ अपने दूसरे सब्सक्राइबर्स के जिनके लाख लाख सब्सक्राइबर है वो 10 दिन में जाके किसी बंदे के 100 रैंक आती है वो दिखाते हैं हमारा ग्रैंड लीग विन हो गई। अरे भाई खुद तो विन करके दिखा दे कभी। तो ये है कि मैं अंडर 19 जोनल लेवल दिल्ली से खेलाऊँ। अगर पूरी इंडिया में क्रिकेट में कहीं कॉम्पिटिशन है दो जगह, दिल्ली फर्स्ट मुंबई, ये दो जगह में इतना क्रिकेट में कंपटीशन है। अब मैंने क्रिकेट क्यों क्विट किया था ये आगे की स्टोरी है, मेरे जुड़े रहोगे तो फ्यूचर में बता दूंगा आपको। और मुझे क्रिकेट के हर छोटी छोटी चीज़ों का पता है कि अब क्या ट्विस्ट होने वाला है, मतलब गलत भी हो सकता हूँ पर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैंने ईशांत शर्मा के साथ एक मैच खेला हुआ है, उन्मुक्त चंद के साथ और नीतीश राणा के साथ। तो भाई ये जो टीम बांटते फिरते हैं
इन्होंने ये स्ट्रीट क्रिकेट से बाहर निकले भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं एक नए चैनल, नए उम्मीद और नए सपोर्ट के साथ। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी भी मैं रेगुलर सोच रहा हूँ कि वीडियो डालना चालू करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना भाई, शेयर, लोगों को पता चले कि मार्केट में ऐसा बंदा भी है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को कर देना। अब मैं फोर्स कर नहीं सकता, वो आपके दिल की बात है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भाई ओके है। तो आप ऐसे बंदे का जुड़े हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा क्रिकेट के बारे में, जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है वो हमेशा, अगर 5-6 महीने रहोगे तो 5-6 महीने में आप वो 2.5 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बट यार जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्रिकेट खेली है वो आप, चलो दे तो दूंगा, वो अगर वो चीज़ दिल से नहीं आती, वो आपने कभी फील नहीं करा होगा गिरगांव ग्राउंड में कभी खड़े होकर बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल के जो मैंने करा है। तो धन्यवाद है, जिसने पूरी वीडियो देखी है तो बहुत कुछ सीख के गया होगा। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।